आजादी की लड़ाई में आदिवासी समाज के अप्रतिम योगदान को हर घर तक पहुंचाने के लिए अमृत महोत्सव में अनगिनत प्रयास किए जा रहे हैं। पिछले साल ही देश ने 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा जयंती को राष्ट्रीय जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत भी की है। विदेशी हुकूमत ने हमारे आदिवासियों पर सबसे ज्यादा अत्याचार किए, उनकी संस्कृति को नष्ट करने के प्रयास किए। ये प्रयास उस बलिदानी अतीत को जीवंत करेंगे, आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देते रहेंगे। सीताराम राजू गारू के आदर्शों पर चलते हुए आज देश आदिवासी युवाओं के लिए नए अवसर तैयार कर रहा है। हमारी वन संपदा आदिवासी समाज के युवाओं के लिए रोजगार और अवसरों का माध्यम बने, इसके लिए अनेक प्रयास हो रहे हैं। स्किल इंडिया मिशन के जरिए आज आदिवासी कला कौशल को नई पहचान मिल रही है। वोकल फॉर लोकल आदिवासी कला कौशल को आय का साधन बना रहा है। दशकों पुराने कानून जो आदिवासी लोगों को बांबू जैसी वन उपज को काटने से रोकते थे, हमने उन्हें बदलकर वन उपज पर अधिकार दिए। आज वन उत्पादों को प्रमोट करने के लिए सरकार अनेक विध नए प्रयास कर रही है। 8 साल पहले तक केवल 12 फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स की एमएसपी पर खरीदी होती थी, लेकिन आज एमएसपी की खरीद लिस्ट में करीब करीब 90 प्रोडक्ट्स वन उपज के रूप में शामिल किया गया है। देश ने वन धन योजना के जरिए वन संपदा को आधुनिक अवसरों से जोड़ने का काम भी शुरू किया है। देश में 3000 से अधिक वन धन विकास केंद्रों के साथ ही 50,000 से ज्यादा वन धन सेल्फ हेल्प ग्रुप भी काम कर रहे हैं।